इस कमरे से बाहर निकलो, बाहर निकलो इस कमरे से। इन हाथों में जादू है, जादू। ये है हमारा रोमियो, बिल्कुल ब्लैक जेट ब्लैक बुल्ली कुत्ता है, और ये इतना जबरदस्त सिक्योरिटी डॉग है, खतरनाक वाला। और ये है हमारा टिंगू, टिंगू ये है सेकंड लाइन सिक्योरिटी हमारी, ये फर्स्ट लाइन सिक्योरिटी, और ये है सेकंड लाइन सिक्योरिटी, ये हमारा सीनियर। जब बड़ी मुसीबत आती है तभी ये उठ के आते हैं, अदरवाइज ये हमेशा ऐसे ही लेटे रहते हैं। और ये है चाहे दो घर दूर किसी के भी घर में कुछ भी हो जाए तो ये फर्स्ट लाइन सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। ये देखो भाई साहब, थोड़ा अपना चेहरा दिखाओ, अभी मेरी तरफ अलर्ट है ये। रोमियो देख, मेरे सिर की मालिश हो रही है। रोमियो देख, रोमियो ना वहाँ बैठा हुआ है सामने, क्योंकि भी है ना जो रोमियो का मतलब बेडिंग एरिया है वहाँ पे सफाई चल रही है, तो उस टाइम के लिए इसको थोड़ा सा पीछे यहाँ बैठा देते हैं हम, वो पीछे बैठा जैसे ही सफाई हो जाएगी इसको यहाँ पे मैं एक बार थोड़ी सी इसकी भी सफाई कर दूँगा, दूसरे की भी सफाई कर दूँगा, वो थोड़ा चुपके बैठा हुआ है, और फिर इनको आगे भेज देंगे। ये जो अभी सिर में जो मतलब ऑयलिंग करवा रहे हैं, ये जो ऑयल बना हुआ है ये ऑनियन का और किस चीज़ का, एलोवेरा, ऑनियन और एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, हिबिस्कस फ्लावर का एक्सट्रैक्ट है। मैं मजाक कर रहा हूँ, और जो बाहर की जो चीज़ें हैं उनको यूज़ ना करके ये अपना घर का देसी बना लो। इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगा, विद ऑलिव ऑयल, बढ़िया मस्त एक नंबर के बाल हो जाएंगे। ऑयलिंग के बाद आप देख सकते हो मेरे हेयर स्टाइल को, खतरनाक हेयर स्टाइल हो गया है मेरा। बस अभी मैं नहा के और फिर बस अभी काफ़ी देर हो गई है, लगभग एक घंटा हो गया, मैं नहाऊंगा और ये जो मेरा खतरनाक हेयर स्टाइल है इसको चेंज भी करना है, जो तेल लगा के ऐसे हो गया। लेकिन इस ऑयल को यूज़ करने के बाद मेरे को बालों में फ़र्क लगता है, बाल है ना थोड़े से हेल्दी हेल्दी और थोड़े से हाँ ठीक हो जाते हैं, थोड़े से मोटे तगड़े हैवी, और अच्छा भी लगता है जब बाल ऐसे सेट हो जाते हैं तो सही भी लगता है। तो आप लोग भी अपने घर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि आज पतंजलि की साबुन से हम अपने तन बदन को साफ करेंगे, और साथ में हमें एक नया शैम्पू भी प्राप्त हुआ है सेटनी क्यू एमवे का, तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे भी। टिंगू बता, तबीयत ठीक है तेरी? उड़ा दे मक्खी हैं। टिंगू को बेचारे को दो दिन से लूज मोशन हो गए हैं और उसको वॉमिट भी आ रही है, दवाई देने के बाद तो इसको आई नहीं है। कल रात को मैंने इसको दवाई दी थी, पहले मैंने चेक किया था एक दिन कि अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन एक दिन अगर ठीक नहीं होता है तो मैं फिर उनको दवाई दे देता हूँ। तो अभी कल से ये ठीक है, अब इसको सेकेंड डोज दी जाएगी। आज हमारे घर में सुबह सुबह हम लोगों ने छोले कुलचे बनाए हैं, और जिसके लिए छोले मैंने खुद से बनाए हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। और अभी हम लोग इसको कुलचे को सेक रहे हैं, जस्ट ये हम लोग मार्केट से खरीद कर लाए, क्योंकि कोविड 19 के केसेस बहुत ज़्यादा दोबारा से बढ़ रहे हैं, सो हमने सब घर में बनाने का सोचा, और ये हमारा कुलचा बिल्कुल रेडी है। तो अभी जब ये एक बार सेक जाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका फाइनल टेक्सचर कैसा है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम इन आर न्यू ब्लॉग टुडे। तो आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाश्ता हमारा बिल्कुल रेडी है, एक्चुअली दिस इज़ नॉट ब्रेकफास्ट, ये ब्रंच हो रहा है हमारा। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइमिंग होता है 11:30 to 12, आज हमने सोचा है कि हम लोग छोले कुलचे खाएंगे। कोविड 19 के केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया कि जो भी चीज़ें हम लोग घर में बनाएंगे ताकि हम उन सब चीज़ों से सेफ रहे। तो नाश्ता हमारा रेडी है, दो कुलचे मैं अपने सेक चुकी हूँ, और ये यहाँ पे सीजनिंग मैंने काट के रखी हुई है जो भी मैं अपने कुलचे के ऊपर डालूँगी, और बस अभी सारा सामान रेडी है, तो जल्दी से चलते हैं खाने के लिए क्योंकि मुझसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही है, तो जल्दी खाते हैं। बुला लेती हूँ एक बार सबको जल्दी से, मेरा काम है बुलाना, अब जो आएगा उसको मिलेगा कुलचा, नहीं तो आ जाओ काम बाद में कर लेना। कुलचा इज़ रेडी, बहुत टेस्टी बनाया, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ
मेरे को लग नहीं रहा था इतना अच्छा बनेगा, बट सच में बहुत अच्छा बन गया। तो मैं आप लोग को जल्दी से एक ओवरव्यू दे दूँ मेरे कुलचे का कि एक्चुअली मेरा कुलचा कैसा दिखाई दे रहा है। बहुत टेस्टी दिख भी रहा है और टेस्टी लग भी रहा है। तो आज हमारे पास क्या है, छोले और कुलचे। हम अभी छोले कुलचे खाने को जा रहे हैं। तो कैसे बने हैं छोले कुलचे? बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त। इन हाथों में जादू है, जादू। मैंने बनाए ही हैं और कोई नहीं बना सकता ऐसे छोले भटूरे, छोले कुलचे, छोले भटूरे नहीं मेरे बनाए हुए हैं। और अभी हम नया प्लान कर रहे हैं एक नए बिजनेस का। अब मैं छोले कुलचे की वो लगाऊंगा अपनी शॉप। इसे आप देखना, एक डॉग जल्दी से सूंघ के कितना तेज से कुलचा खाता है। रोटी छोड़ के कुलचे के बीच रोटी यहाँ पड़ी हुई है, बट इसको चाहिए ये। हाँ तो भी किसी की नींद भी नहीं खुली है। हेलो, सुन रहे हो? ठीक है, देन हम लोग अपने कॉफ़ी को जल्दी से इंजॉय कर लेते हैं, फिर हम लोग आपको दिखाते हैं कि हम लोग नेक्स्ट शाम को कहाँ पे जाएंगे। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, और प्लान है भी है बट अगर प्लान सक्सेसफुल हुआ तो दिखाएंगे, नहीं हुआ तो जय राम जी की। इस कमरे से बाहर निकलो, बाहर निकलो इस कमरे से, जल्दी से बाहर निकलो। इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा इस बात का। टिंगू बाहर जाए यहाँ से, मोटे चल बाहर, बाहर जा। तो अभी शाम को हम कुछ सामान लेने आए थे और यहाँ पे जैसे जूस वाला हमें दिखा, जूस वाले भैया ये पीछे, और फिर हमने कंट्रोल नहीं हुआ, जूस पी रहे हैं अभी हम। अभी है ना मार्केट में शोर ज़्यादा है तो आपको शायद मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं थोड़ा फ़ोन को भी पास रख के बोल रहा था। तो अभी इसको यहीं पर रोकते हुए फिर आगे बात करेंगे आप। Back from the dead. Oh yeah.